उपमा बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन उसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए। और अगर मेजरमेंट सही नहीं हुआ तो उपमा परफेक्ट नहीं बनेगा, कभी ड्राई हो जाएगा तो कभी बहुत ही सॉगी हो जाएगा। तो आज मैं बताऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट से उपमा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे घी, यहाँ पे हम ऑयल का यूज नहीं करेंगे। उपमा में घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलो, घी गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे राई, जीरा, तिल और थोड़ी सी मूंगफली और उसको अच्छे से सॉटे कर देंगे। हम ऊपर से ढक्कन लगा देंगे क्योंकि ये तिल है ना इधर उधर बहुत उड़ते हैं, तो ढक्कन लगाने से आपका किचन भी साफ रहेगा और ये जो तिल इकट्ठा करने में मेहनत लगती है वो भी मेहनत भी बच जाएगी। ये अच्छे से सॉटे हो गया है तो हम उसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा लहसुन और उसको भी 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर और उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेना है। गाजर को पकने में टाइम लगता है तो उसको हमें ढककर पकाना होगा, तो 5 मिनट के लिए उसको हम ढककर पका देंगे। और ये देखो हमारी गाजर एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, पक गई अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 कप सूजी और उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे हमने सूजी कच्ची ही ली है, उसको पहले भुना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको ऐसे ही भूनने वाले हैं तो डबल डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही उसको इसके अंदर भून लेंगे। और अब आती है मेजरमेंट की बारी। तो 1 कप सूजी ली है हमने तो हम डालेंगे 3 कप पानी। तो ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, आपका उपमा बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम ड्राई भी नहीं बनेगा और एकदम सॉगी भी नहीं बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और अब उसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेना है। और ये हमारा उपमा रेडी है। और ये देखो बहुत ही मस्त उपमा बना है, एकदम परफेक्ट, बहुत सॉगी भी नहीं है और ड्राई भी नहीं है और एकदम परफेक्ट उपमा रेडी है। और उसमें लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी, यहाँ पे हम हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा उपमा एकदम रेडी है, एकदम परफेक्ट उपमा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। ओके बाय।